number words which begin with consonants. A का use हम कहाँ करते हैं? Singular number के पहले, before होता है पहले. कोई भी number हमारे पास एक होगा, जैसे एक की है, एक apple है, तो जब एक number होगा, तो उसके पहले हम क्या use करेंगे? A. Words which begin with consonants. और वो जो word का first letter है, तो कहाँ से start होना चाहिए? Consonant से. अगर first letter consonant होगा, तो हम क्या use करेंगे? A. Next हम बात करते हैं and. And is used before singular number words which begin with any of the above. And का use कहाँ होगा? Singular number के पहले, किसी भी एक number के पहले. तो क्या use करेंगे हम? And. Word which begin with any of the vowels. और word का जो first letter है वो कहाँ से start होना चाहिए? Vowel से, यानी कि A, E, I, O, U. ठीक है? तो अगर first letter A, E, I, O, U होगा, तो हम उसके साथ क्या use करेंगे? And. Okay. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिए हुए हैं. नंबर वन, इट इज डैश की. तो मैंने यहाँ पे की पिक्चर बनाई है. क्या है? सिंगुलर नंबर. तो ये वर्ड की, तो की का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या यूज होगा? ए. ओके, नेक्स्ट, दिस इज डैश एप्पल. सिंगुलर नंबर है एप्पल, तो एप्पल का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? ए. तो ए क्या है? वॉवल. तो वॉवल के साथ क्या यूज होगा? एम. नेक्स्ट, इट इज डैश पेन. अब यहां पे किसकी पिक्चर है? पेन की. सिंगुलर नंबर, तो पेन का जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो क्या है? कॉन्सोनेंट. पी है ना, तो पी क्या किसके आता है? कॉन्सोनेंट में. तो कॉन्सोनेंट है तो क्या यूज करेंगे? ए. नेक्स्ट नंबर फोर, इट इज डैश अम्ब्रेला. अब जो अम्ब्रेला का वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कहां से स्टार्ट है? बॉबल. तो फर्स्ट लेटर जब बॉबल होगा तो उसके साथ क्या यूज होगा? एम. नेक्स्ट, इट इज डैश बॉल. किसकी पिक्चर है? बॉल की. सिंगुलर नंबर है, तो बॉल का जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो क्या है? बी. तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या यूज होगा? ए. नेक्स्ट, दिस इज डैश एग. अब जो एग का वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर क्या है? बॉबल. ई. बॉबल. तो क्या यूज होगा? एम. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यूज ऑफ ए एम. तो ए का यूज कहां करते हैं? सिंगुलर नंबर के पहले. और वो जो वर्ड है वो स्टार्ट किससे होना चाहिए? कॉन्सोनेंट से. फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट. तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? ए. नेक्स्ट बात करते हैं एन की. तो एन भी किसके साथ आएगा? सिंगुलर नंबर के पहले. ठीक है, तो सिंगुलर नंबर के पहले क्या यूज करेंगे? एन. वर्ड्स विच बिगन विद द एनी. लेकिन स्टार्ट जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर स्टार्ट किससे होना चाहिए? वॉवल्स.